बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश और सेफ होंगे। आज आपके साथ कोर्स कोड 8638 स्प्रिंग 2021 की सेटिंग असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन लेकर हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमें किसी भी असाइनमेंट के लिए हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना है तो आपका वो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसके साथ हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलप अ लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ 5E मॉडल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, तो ये पांच आपको टॉपिक दिए हुए हैं। ओके जी, फर्स्ट टॉपिक हमारा एंजाइम्स, देन सेकंड है वेपोरेशन, देन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ सिमुलेशन इक्वेशन। ये आपको पांच टॉपिक दिए हैं, तो इनमें 6E पे आपने लेसन प्रिपेयर करना है 5E मॉडल को माइंड में रखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है कि 5E मॉडल होता क्या है। ठीक है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट एंड एवेल्यूएट। ठीक है, ये हमारा 5E मॉडल है। तो अब हमने रोल ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम्स पे हम लोगों ने लेसन प्रिपेयर किया है। ठीक है, सबसे पहले एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट हमने कैसे किया है, तो यहाँ पे ये देखें जो भी प्रोसेस था, एक एक्टिविटी छोटी सी आपने स्टूडेंट्स के साथ करनी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एंगेजमेंट का कर दिया है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोर कैसे करना है वो हमने बता दिया है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन है, ठीक है, देन एवेल्यूएट है, देन एलेबोरेट है। ठीक है, तो ये पांच इसके पॉइंट्स थे जो हमने राइट कर दिए हैं 5E मॉडल्स के, और लेसन प्लान हमने प्रिपेयर कर दिया है। अब आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स फॉर साइंस एजुकेशन, हाउ टेक्स्ट फॉर साइंस एजुकेशन आर बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टूल्स, जस्टिफाई यूर आंसर विद द एग्जाम्पल ऑफ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताना है कि साइंस एजुकेशन के लिए इंस्ट्रक्शनल एड्स कौन से टाइप्स हैं, कौन सा बेस्ट आपको लगता है कि बेस्ट है, और एग्जांपल्स भी देने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल एड्स के बारे में बता दिया है कि वो क्या होती हैं। ठीक है, सपोज जिस तरह यहाँ पे देखें, इंस्ट्रक्शनल वॉइस हो जाती है, प्रिंटेड टेक्स्ट होता है, वीडियो कैसेट्स हो जाती है। ठीक है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी इंस्ट्रक्शनल एड में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा था डिफरेंट टाइप्स आपने बतानी है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर आ गया, देन विजुअल एड्स आ जाता है, देन ऑडियो एड आ जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स आ जाता है, प्रिंटेड मटेरियल आ जाता है, ठीक है, फील्ड ट्रिप आ जाता है, ये जितनी भी टाइप्स हैं ये हमारे पास इंस्ट्रक्शनल एड्स की हैं। ठीक, उसके बाद मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक एज ए इंस्ट्रक्शनल एड को आप कैसे देखते हैं, तो ये सारा मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक के बारे में राइट कर दिया है कि इंस्ट्रक्शनल एड्स वो आप उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हें यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दी हैं, वो भी आप यहाँ से राइट कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद यूज़ टेक्स्ट बुक वाइसली आ गया, थिंक ऑफ टेक्स्ट बुक एज अ टूल। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हो जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सप्लेन पर्पज एंड नीड ऑफ असेसमेंट एज साइंस एजुकेशन। ठीक है, आपने पर्पज और साइंस एजुकेशन के लिए असेसमेंट की नीड्स और पर्पज बताना है कि असेसमेंट का पर्पज क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन के बारे में थोड़ा राइट कर दिया है पहले, उसको आप देख सकते हैं। देन द रियल पर्पस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, साइंस एजुकेशन में रियल पर्पस क्या है असेसमेंट का, वो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है कि आपको लैकनेस का पता चलता है स्टूडेंट्स की, जो है ना, कहाँ कमजोरी है, क्या उसकी एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो सारे आपको पता लगता है। ठीक है, स्टूडेंट की बेसिकली आप परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं थ्रू असेसमेंट के। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट आपको बता दिया है, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है। ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में भी कुछ राइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि नीड ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट की नीड क्यों होती है, तो ये यहाँ पे मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में राइट किया है। सबसे पहले है प्रोवाइड डायग्नोस्टिक फीडबैक। ठीक है, कि आपको फीडबैक मिलता है कि स्टूडेंट्स की नॉलेज कितनी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे है, उसकी नीड्स क्या है। ठीक है, उसके बाद हेल्प एजुकेटर सेट स्टैंडर्ड, आप एक एजुकेटर जो है ना होते हुए आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड आप मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देन हाउ इट इज़ स्टडिंग डूइंग, कि आप स्टूडेंट कैसे कर रहा है वो आप देखते हैं कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेट परफॉर्मेंस आ जाती है फॉर स्टूडेंट सेल्फ एवेल्युएशन, कि स्टूडेंट खुद अपनी परफॉर्मेंस को बारे में एवेल्युएट कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ठीक है, और देन फिर टीचर भी एवेल्युएट कर सकती है। यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एंड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा राइट इंपॉर्टेंट ऑफ यूनिट प्लानिंग एंड ड्रॉ प्लानिंग स्केच फॉर एनी टॉपिक फॉर द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, आपने सबसे पहले बताना है यूनिट प्लानिंग क्या है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आपको बताया जाए तो यूनिट प्लानिंग क्या होती है कि जो भी आपको सिलेबस मिलता है उसकी आप प्लानिंग करते हैं, डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट यूनिट्स में,
कि एक सेशन के दौरान आपने कौन कौन से यूनिट, सपोज अगर आपका 1 साल का सेशन है तो आप अब और बुक आपकी 10 चैप्टर की है या 12 चैप्टर की है, तो आपने उनको डिवाइड कर लेना है यूनिट्स को, कि इस यूनिट को आपने एक मंथ में पढ़ाना है, इसको दूसरे में. तो आपकी बेसिकली ये होता है कि सिलेबस जो भी है उसको आपने वेल डिफाइंड और वेल मैनर में आपने उसको उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेना है, ठीक है, प्लान कर लेना है कि यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है, इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है, यही कुछ यहाँ इसमें भी राइट किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है. ओके, देन एलिमेंट्स ऑफ यूनिट प्लान. यूनिट प्लान के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं. मेन टॉपिक और टॉपिक्स हो जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, एसेंशियल स्किल्स हो जाती हैं, एकेडेमिक गोल एंड डिजायर्ड आउटकम हो जाते हैं, स्टैंडर्ड हो जाते हैं, ठीक है. उसके बाद जो भी लर्निंग होती है वो हो जाती है. जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स थे वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं. उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट प्लान. यूनिट प्लान की क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, इट हेल्प्स इन द प्रिपेयर कवरेज फॉर द सिलेबस विद इन द अवेलेबल टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ द सेशन, ठीक है. यूनिट रिप्रेजेंट द यूनिफाइड एंड इंटेग्रेटेड होल ऑफ द मीनिंगफुल एंड पर्पजफुल कंटेंट मटेरियल एंड लर्निंग एक्सपीरियंस. तो जो भी यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है. उसके अलावा कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, हर एक चीज़ की पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव इस्पेक्ट भी होते हैं. तो यहाँ पे मैंने इसकी लिमिटेशन बता दी हैं कि यूनिट प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने राइट कर दी है. यहाँ पे आगे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड होता है. अब आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने लिस्ट करना है गाइडलाइन को ऑफ कैरियर इंस्टेंट टू इन्वॉल्व स्टूडेंट इन साइंस, ठीक है. स्टूडेंट्स को साइंस में इन्वॉल्व करने के लिए क्या गाइडलाइन दी हुई है आपको कैरन और स्टैंड ने, ठीक है. तो यहाँ पे गाइडलाइन को सबसे पहले मैंने ये बता दिया है थोड़ा सा टीचिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है, साइंस के बारे में. उसके बाद गाइडलाइन क्या है हमें दी हुई वो यहाँ पे मैंने राइट कर दी है पॉइंट्स की फॉर्म में. इन्वॉल्व स्टूडेंट इन साइंस बेस्ड प्रोसेस एक्टिविटीज़, ठीक है, कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के जरिए स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं. टीचर मस्ट एक्वायर नॉलेज ऑफ साइंस एंड द वे साइंस एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट, कि टीचर जो है उसको पता होना चाहिए कि साइंस और सोसाइटी किस तरह इंटरडिपेंडेंट है, और उसने वही चीज़ अपने स्टूडेंट्स को बतानी है, ठीक है. देन इंगेज स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी इन्वॉल्व सीकिंग आंसर द प्रॉब्लम इन ओवर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, ठीक है. तो जो भी इनको प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए साइंटिफिक मेथड आपने यूज करना है. तो ये जितने भी पॉइंट्स थे चिल्ड्रन को साइंस में इन्वॉल्व करने के लिए वो यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में, ठीक है. आप यहाँ से देख लें और यहाँ से आप राइट कर सकते हैं लेकिन अपनी वर्डिंग में. ओके जी, यहाँ पे फिर प्रिपरेशन होगी, प्रेजेंटेशन होगी, कंपैरिजन एंड अब्स्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, एप्लीकेशन होगी, रिकैपिटलाइजेशन होगी, ये सारे पॉइंट्स जो भी हैं वो यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं जो कि हमें बताए हैं सैंड और कैरन ने, ठीक है. और यहाँ पे ये एंड होता है क्वेश्चन नंबर 5 भी. उम्मीद है स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट 8638 आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी. इसकी सेकंड असाइनमेंट है. अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ओबियसली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो एग्जाम्स के रिलेटेड, असाइनमेंट के रिलेटेड, तो आपको टाइम से मिल सके. अब तक के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.